हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको ये स्क्रीन में दिख रहा होगा, आज मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप कोई भी ये विंडो का इशू फिक्स क्रिटिकल प्रोसेस डेड स्टॉप कोड, ये जो आ जाता है आपको ब्लू डेथ स्क्रीन में, ये कैसे रिजॉल्व करें हम। तो ब्लू स्क्रीन के एक वीडियो और आया था मेरा, वो आप अगर वो भी आप देख सकते हो। उसमें भी कई सारे मैंने दिए थे इस सुझाव कि आप क्या क्या स्टेप आप अपनाओ और उसको रिजॉल्व कर सकते हो। आज भी इस वीडियो में बताऊंगा कि ये वाला जो आते हैं कि इशू हर विंडोज़ के लैपटॉप में, वो क्यों आते हैं और ये क्यों और कैसे आते हैं और किसको इसको रिजॉल्व करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं सारे जो हार्डवेयर डिवाइस रिलेटेड लैपटॉप डिवाइसेस हैं, जो भी इशू के आएंगे, हर इशू में बताता हूँ अपने इस चैनल में। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, कैसे फिक्स करें ऐसे को, कैसे फिक्स करें ये क्रिटिकल प्रोसेस डेड स्टॉप कोड, और इसकी प्रोसेस क्या है आने का। सबसे पहले ये पता करते हैं कि आता क्यों है। तो इसके आने का कारण ये है कि ये जिस विंडोज़ जो हमारा प्रोग्रामिंग चल रहा है, जिस पे हम डिपेंड कर रहा है, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के प्रोग्राम्स, उसमें कोई ना कोई एरर आया है, जिसमें विंडोज़ रिलाई करता है या डिपेंड करता है, उसमें कुछ कुछ ना कुछ इशू आ रहा है। जैसे कोई वायरस आ गया, कोई बग आ गया, या फिर कोई डिवाइस ड्राइवर गलत अपडेट हो गया, या फिर कोई सॉफ्टवेयर गलत अपडेट हो गया, तब भी आ जाता है। लेकिन ये इसी कई तरीके से आते हैं ब्लू स्क्रीन डेथ एरर, क्योंकि ये डिफाइन नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट कोई एक चेक डिफाइन नहीं किया है कि इसी की वजह से ये ब्लू स्क्रीन डेथ आता है। तो इसलिए मैं अभी ये बता नहीं सकता, लेकिन स्टेप बता दूंगा कि बताता हूँ कि कैसे आप इसको रिजॉल्व कर सकते हो। तो चलिए आज चलिए मैं देख चलिए देखते हैं कि कैसे आप इसको रिजॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले आप विंडोज़ के लैपटॉप में ये जाओ, आप इसमें विंडोज़ अपडेट, विंडो अपडेट, ये आया विंडो अपडेट सेटिंग्स, यहाँ पे गए आप। ये देखिए कि ये आपका अपडेट है कि नहीं, विंडोज़ अपडेट है कि नहीं। सबसे पहले आप यही देखेंगे आपका जो विंडो है वो अपडेट है कि नहीं प्रॉपर तरीके से। तो ये हुआ पहला। अगर दूसरा ये हुआ कि अगर आपके विंडो में इशू आ रहा है, कि जैसे मान लीजिए कि ये क्रिटिकल इशू आ रहा है, तो आपके जो प्रीवियस आपने किया है इसको अपडेट, वो लेटेस्ट अपडेट आपने कौन सा किया जिसकी वजह से वो आ रहा है आपके आपका जो एरर आ रहा है, तो उसको देखने के लिए आप क्या करो, व्यू अपडेट हिस्ट्री, ये आ गया। ये जैसे मैंने किया, कई सारे ऐप ड्राइवर्स अपडेट किए, डिफाइन अपडेट, ये सारे आ जा रहे हैं। अदर अपडेट जो भी किए हैं वो सारे आ जा रहे हैं। उसको अगर आपको याद है तो उसको क्या करो कि आप सेलेक्ट करके अनइंस्टॉल अपडेट कर दो, उसको अनइंस्टॉल कर दो, और फिर उसके बाद फिर चेक करो कि आपका वो इशू रिजॉल्व हुआ कि नहीं। तो ये हुआ आपका दूसरा स्टेप्स कि आप इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हो। तो अब चलते हैं आगे, और तीसरा देखते हैं कि किस ड्राइवर्स, जितने भी ड्राइवर्स हैं आपके, अपडेट है कि नहीं। और वो जो ड्राइवर्स आपने लेटेस्ट अपडेट किया है, मान लीजिए कोई भी हो सकता है, जैसे आप डिवाइस मैनेजर में गए, यहाँ पे गए डिवाइस मैनेजर, इसमें गए आप, यहाँ पे मान लीजिए कोई भी अपडेट आपने नया अपडेट किया हो, जैसे मान लीजिए कि आपका माउस का ही ले लीजिए, माउस का किए हो, तो आप ऐसे जाओ प्रॉपर्टीज में जाओ, यहाँ पे गए ड्राइवर्स में गए, यहाँ पे आप अपडेट भी कर सकते हो, अपडेट ड्राइवर कर सकते हो, या फिर डिसेबल कर सकते हो उसको, रो डिसेबल कर सकते हो अगर आपने उसको अपडेट किया है, तो आप रोल बैक भी कर सकते हो उसमें, तो वो फिर दोबारा उसी में आ जाएगा, जो आपका प्रीवियस रहेगा फिर वही पे आ जाएगा, प्रीवियस वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा रोल बैक करने पे। तो ये हुआ आपका तीसरा स्टेप जिससे आप इसको रिजॉल्व कर सकते हो। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे क्या क्या स्टेप है। आप चलो आप कमांड प्रॉम्प्ट पे CMD, इस पे जाओ रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पे जाओ आप SFC/scan now, scan now, ये हुआ। ये क्या करेगा, सारे जो आप
के प्रोसेस जो भी कोई एरर आ रहा है वो आपको उसको आपको फैच करेगा, जो भी एरर आएगा वो आपको बता देगा कि हाँ ये एरर आ रहा है, आप इसको फिक्स करो। तो ये हुआ आपका चौथा तरीका। चलिए एक कमांड्स और है, उसका मैं कॉपी करता हूँ अपने विंडोज़ के लैपटॉप से। विंडोज़ के लैपटॉप से ये है कमांड्स, उसको मैं कॉपी करता हूँ। यहाँ पे गया, ये गया, यहाँ पे गया, अभी ये अपडेट हो रहा है। तो ऐसे आप हो जाओ कर लो इसको, 100% होने के बाद ये आपको बता देगा कि हाँ ये अपडेट है कि नहीं। फिर जाओ आप कमांड प्रॉम्प्ट पे, CMD रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। अब यहाँ पे आप जो भी आपका कमांड है राइट क्लिक करो, पेस्ट कर दो, ये कर दो। ये भी सारे आपका देखेगा, जो भी आपके फाइल रहेंगे फाइल मैनेजमेंट को सारे को स्कैन करेगा, उसके बाद क्लियर जो भी रहेगा आपका एरर उसको रिजॉल्व कर देगा, ये खुद खुद रिजॉल्व कर देगा। इसका सारा जो भी आपको सिस्टम रिलेटेड इमेज या फाइल रिलेटेड है वो सारे अपडेट करने के बाद आपको दोबारा रिफ्रेश कर देगा। और ये हुआ आपका पांचवा तरीका रिजॉल्व करने का। तो अब एक और है आप, ये हुआ मेरा पांचवा तरीका। इसके बाद जाओ आप सिक्योरिटी स्कैन कर लो, जितने भी हैं, जैसे जैसे कई सारे सिक्योर कभी कभी आपको फायरवॉल की वजह से भी आ जाते हैं, इश्यू आ जाता है कि कोई कोई वायरस की वजह से आ जाता है, कभी आप मालवेयर इंस्टॉल कर लियो या फिर कोई ट्रोजन आ गया या फिर कुछ आ गया, तो उसको आप विंडोज 10 में वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, आप विंडोज 10 में ऑलरेडी प्रेजेंट है, अदर विंडोज जो सिस्टम यूज कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें, फ्री भी हैं, कोई 10 या 15 दिन के आते रहते हैं, कोई 10 दिन का फ्री देता है, कोई 15 दिन का, वो आप डाउनलोड करो, स्कैन करने के बाद डिलीट कर दो। और विंडोज 10 वाले वो डायरेक्ट स्कैन कर सकते हैं, डीपली स्कैन कर सकते हैं, विंडोज डिफेंडर से सिक्योरिटी में जाके सारा कुछ स्कैन डीपली स्कैन कर सकते हैं। विंडोज सिक्योरिटी में गए, सारा कुछ इसमें जाके डिफेंड कर, सारा कुछ स्कैन कर सकते हैं इसमें। ये हुआ आपका वायरस के स्कैन करने का, यहाँ पे जाके आप स्कैन कर सकते हो सारा जो भी, एक बार स्कैन करने के बाद वो अपने आप डिटेक्ट करेगा और उसको हटा देगा, रिमूव कर देगा। ये हुआ पांचवा तरीका। अब लास्ट सिक्स्थ, जो हमारा सिक्स्थ तरीका है वो है आपको रीसेट करने का। रीसेट करो आप विंडो को, रीसेट किया, यहाँ पे है रीसेट, रीसेट विंडोज, यहाँ पे गए रीसेट, गेट स्टार्टेड, और उसके बाद आप जाओ कि अपने फाइल को अगर सुरक्षित रखना है, वो दोबारी फाइल चाहिए तो आप उसमें ऑप्शन आएगा, दो ऑप्शन आएगा, एक कीप फाइल का, एक आ जाएगा टोटली रिमूव करने का। तो पहले आप उसको, अगर आपको फाइल वो चाहिए, डेटा चाहिए आपको, तो कीप में टिक करो, नहीं तो अदरवाइज रिफ्रेश करके सारे अपडेट रीसेट कर लो विंडोज, वो फिर जैसे आया था वैसे ही हो जाएगा। ये हुए मेरे 7 तरीके जो आपको 100% ये क्रिटिकल प्रोसेस अपडेट स्टॉप कोड को रिजॉल्व कर देगा। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो आपको निश्चित ही, अगर जो कोई आपको, आप उसमें पोर्ट में कोई कंपोनेंट लगाए जैसे माउस या फिर किसी का अडैप्टर लगाए, उसको भी एक बार हटा के दोबारा चेक करो, उसके वजह से भी हो सकता है कि उसमें कुछ खराबी हो, उसकी वजह से आ रहा हो आपको। तो ये हुआ हमारा 8 तरीका जो आपको ये फिक्स कर देगा, फिक्स क्रिटिकल प्रोसेस डेट स्टॉप कोड को। सो थैंक्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।